हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक 27 साल के टैक्सी चालक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। युवक की अधजली लाश टैक्सी के अंदर मिली है। अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना नगरोटा बगवा के तहत टैक्सी चालक का शव उसकी टैक्सी में अधजली हालत में बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पड़ताल के प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही असली कारणों का पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार यह अधजली लाश योल की रिन पंचायत में टीकाबणी गांव के एक युवक की बताई जा रही है। 27 वर्षीय पंकज चौधरी अविवाहित था। वह सवारी लेकर गया था। झियोल रोड पर उसकी कार सुबह लोगों ने देखी और पुलिस को सूचित किया। खबर लिखे जाने तक मौके पर आईजी पहुंच चुके थे। तो इसके नंबर के आधार पर पता चला कि ये पंकज जो कि योल के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी है। तो गाड़ी अंदर से लॉक थी, तो इनके रिलेटिव दूसरी शादी से जब गाड़ी को खोला तो ड्राइविंग सीट पे जो है वो मृत पाए गए और कमर से ऊपर का पोर्शन उनका जला हुआ था और गाड़ी भी जली। उसके बाद में फॉरेंसिक जो जो हमारे को साक्ष्य मिले हैं उनको हमने लिख किया है, उनको फॉरेंसिक में भेजा जाएगा। और जो कुछ ट्रेसेस मिले हैं हमारे को ऑयल के, तो उनका चेक किया जाएगा कि कौन सा दाग है, और बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। और जो फैमिली मेंबर हैं, जो अंकल हैं उनके डिसीज के, उनके स्टेटमेंट पे हमने केस रजिस्टर किया है, हत्या का मामला दर्ज किया है और खाता भी जांच कर। सर, हत्या का मामला जो है आप कह रहे हैं ये दर्ज किया गया है, क्या आपकी तरफ से कोई ये किया गया या जो परिजन है उनका कहा गया है? परिजनों के स्टेटमेंट पे ये हमने मामला दर्ज किया है और हर पहलू पे जो है तफ्तीश की जा रही है, जो भी एज पर लॉ होगा वो कार्रवाई। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नगरोटा बगवां से कपिल वासुदेवा।